गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग जॉब कॉस्टिंग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। अ वर्क ऑर्डर फॉर 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हैज टू पास थ्रू फोर डिफरेंट मशीन्स ऑफ विच द मशीन आर रेट्स आर दिस। पी मशीन, क्यू मशीन, आर मशीन और एस मशीन के रेट दे रखे हैं। फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड ऑन द वर्क ऑर्डर। मटेरियल और वेजेस हमें पता है। मशीन पी हैज बीन एंगेज्ड फॉर 200 आवर्स, मशीन क्यू फॉर दिस आवर्स, मशीन आर फॉर दिस आवर्स एंड मशीन एस फॉर दिस। आफ्टर द वर्क ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटेड, मटेरियल वर्थ ₹400 फाउंड टू बी सरप्लस एंड आर रिटर्न टू स्टोर। ऑफिस ओवरहेड्स यूज्ड टू बी 40% ऑफ द वर्क कॉस्ट, बट ऑन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड राइज इन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स there has been a 50% rise in the office overhead expenditure. Okay, aage padhe. Moreover, it is known that 10% of the production will have to be scrapped as not being up to the specification, and the sale proceed of the scrapped output will be only 5% of the cost of sales. If the manufacturer wants to make a profit of 20% on the total cost of the work order, find out the सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी रेडी फॉर सेल। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जॉब कॉस्टिंग में मैंने आपको जैसे समझाया था कि एक पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर ऑफर के लिए हमें एक कॉस्ट निकालनी होती है। कॉन्सेप्ट कॉस्ट शीट के ही लगते हैं, बट वो पूरी इंटायर ईयर या इंटायर मंथ के प्रोडक्शन की बजाय पर्टिकुलर एक जॉब के लिए निकालना है। चलिए, हमें 100 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है तो हम 100 यूनिट्स की कैलकुलेशंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम बनाएंगे एक मिनट। चलिए, कॉस्ट शीट फॉर 100 यूनिट्स, ठीक है। आपको पता है कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम लोग ये दो कॉलम बनाते हैं, एक इंटरनल कॉलम एक आउटर कॉलम। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल आपका कितने का है? डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है हाउ मच? देखिए, डायरेक्ट मटेरियल था आपका 8000 रुपीज का, दिख रहा है? डायरेक्ट मटेरियल 8000 रुपीज का है, लेकिन जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें लिखा गया है कि 400 का जो मटेरियल है ये हमें वापिस करना है, रिटर्न करना है। तो इसमें से जो रिटर्न कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आई हमारी मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है ना? जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ वो वैल्यू। चलिए आगे बढ़े। डायरेक्ट वेजेस कितनी है? देखिए, वही लिखा है मटेरियल के वगैरह में। डायरेक्ट वेजेस है हमारी 500 रुपीज की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो प्राइम कॉस्ट है इनका टोटल करेंगे हम तो ये 8100 होगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास चार मशीन है और चारों मशीनों के रेट और आर्स दे रखे हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। मशीन पी क्यू आर एस, ये चारों मशीन दे रखे हैं, इनके आर्स दे रखे हैं 200,
160, 240 एंड 132, और सभी के रेट भी दे रखे कितने हैं देखिए, 1.25, 2.5, 3 एंड 2.25, 1.25, 2.5, 3 एंड 2.25 मल्टीप्लाई कर तो ये आएगा हमारा 250, ये आएगा हमारा 400, ये आएगा हमारा 720 एंड दिस विल बी 297। ये वैल्यू आएगी 1667। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स को तो वैल्यू हमारी जो बचेगी वो होगी फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड कर दीजिए 9767। अब क्या करते हैं फ्रेंड ऐड, डेफिनेटली अब हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। जरा बताइए ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में क्या बताया है। ऑफिस ओवरहेड बोला है कि नॉर्मली हम 40% यूज करते हैं, लेकिन अभी इन्होंने बोला है कि इंक्रीज हुआ है, 50% राइज हुआ है। राइज का मतलब 40% का 50%, समझिए 40% प्लस 50% ऑफ 40%, ये बनेगा टोटल आपका 60%। तो जब आप इसका 60% करेंगे तो ये वैल्यू हो गई 5820। 5820 एड सॉरी 5860 आएगी, ऐड कर दे तो ये वैल्यू आएगी 15627। चलिए यहां तक आ गए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़े। यहां बोला गया है 10% ऑफ द प्रोडक्शन विल हैव टू बी स्क्रैप्ड एज नॉट बीइंग अप टू द स्पेसिफिकेशन। ओके, तो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है इसका 10% हमारा स्क्रैप होगा। चलिए इसमें से हम माइनस करेंगे सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। ये ध्यान दीजिए, पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ स्क्रैप कितनी है, वो है इसका 10%, दैट इज 1563। इस टोटल प्रोडक्शन का 10% का हमारा स्क्रैप हुआ है। तो स्क्रैप वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। समझे आप, ये पॉइंट समझ याद रखने वाला है, इसके लिए मैं इसको स्टार लगा रहा हूं। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये कैसे निकाला मैंने, पहले तो इन्होंने बोला इस वैल्यू का 10% हमारा स्क्रैप हुआ है, और जो स्क्रैप के जो रद्दी का रेट है वो हमें कॉस्ट का 5% मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू जो आएगी दिस वुड बी 78 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हाउ मच, ऐड कर दीजिए। ठीक है, प्रॉफिट के लिए क्या बोला गया है, 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट, ऐड करें इसमें प्रॉफिट। This will be 3110. तो सेल प्राइस आई हमारी हाउ मच, 18659। सेल प्राइस की जगह हम सेल वैल्यू करेंगे और सेल प्राइस पर यूनिट निकलेगी
100 से डिवाइड करेंगे 186.5 है, ठीक है, ये हमारा आंसर आया। तो इस पूरे क्वेश्चन में बाकी सब तो सिंपल था, सिर्फ ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है स्क्रैप वाला। आई थिंक सो आपको क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।